हाय, इस टाइम मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के काफी क्लोज ट्रेड कर रहे हैं और सबके मन में यही सवाल है कि क्या ये मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, क्या हमें अपने कुछ स्टॉक्स बेच देने चाहिए। मगर ये सब सोचने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको ऐसे कुछ इंडिकेटर्स बताएंगे जो आपको ये हेल्प करेंगे बताने में कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। सबसे पहला मेट्रिक है पी रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। किसी भी कंपनी का पी रेशियो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना होता है, तो आपके पास कंपनी का पी रेशियो निकल के आ जाता है। जिस तरह से आप कंपनी का पी रेशियो निकालते हैं, वैसे ही आप मार्केट का पी रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स का पी। एनालिस्ट का मानना यह है कि जितना ज्यादा पी रेशियो की वैल्यू होती है, उतना ज्यादा मार्केट ओवर वैल्यूड होता है। अगर आप पिछले 15 साल का डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पे निफ्टी का पीई काफी नीचे चला गया था। ये एक टाइम तो 10 पर भी आ गया था। इस टाइम पे निफ्टी का पीई 29 पे है। कुछ समय पहले ये 42 तक चला गया था, मगर कंपनीज के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के कारण से ये दोबारा थोड़ा नीचे आया है। अगर हम बात करें पिछले 20 साल की, तो निफ्टी का पीई 42 तक कभी भी नहीं आया था। दूसरी इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। हाई डिविडेंड यील्ड जनरली पॉइंट करता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, और लो डिविडेंड यील्ड जनरली पॉइंट करता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो 2008 में ये 3.18% तक पहुंच गया था, जो कि सबसे ज्यादा था। मार्च 2020 में जब COVID-19 रिलेटेड मार्केट क्रैश हुआ, तब ये 2% तक पहुंच गया था, जो कि फिर से बढ़ा था। इस टाइम पे ये 1.07% पे गिर के पहुंच गया है। पिछले 20 साल में ये लोएस्ट गया है 0.82% तक। तीसरा इम्पोर्टेंट मेट्रिक है मार्केट कैप टू जीडीपी। जब आप सारी लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैप को ऐड करके जीडीपी से डिवाइड करते हैं, तब आपको ये मेट्रिक रिसीव होता है। इसको वॉरेन बफे इंडिकेटर भी कहा जाता है। वॉरेन बफे के हिसाब से जब टोटल मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा होता है, तो मार्केट ओवर वैल्यूड होता है। 2008 में ये मेट्रिक 150% तक पहुंच गया था। पिछले साल के मार्केट क्रैश के बाद ये 56% पे आ गया था, और इस टाइम पे ये मेट्रिक 115% पे है। चौथा और आखिरी इंडिकेटर है बियर रेशियो। बियर रेशियो को गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड को स्टॉक मार्केट की अर्निंग यील्ड से डिवाइड करके निकाला जाता है। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स यील्ड को परसेंटेज फॉर्म में उसकी अर्निंग पर शेयर को उसकी प्राइस से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये दिखाता है कि जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में आपको कितनी अर्निंग्स मिलती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी आपको यही बताता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में 100 रुपए लगाते हैं, तो उसके बदले में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को स्टॉक मार्केट की अर्निंग यील्ड से कंपेयर करते हैं, तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में काफी कम होता है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अर्निंग्स यील्ड से कम होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। ऑन दी अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड अर्निंग्स यील्ड से ज्यादा होती है स्टॉक मार्केट की, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। इस टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड 6.025% पे है और अर्निंग्स यील्ड 3.45% पे। तो ये थे वो कुछ इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं कि मार्केट्स अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनमें से किसी इंडिकेटर को फॉलो करें ब्लाइंडली और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इनके बेसिस पे लें, मगर इन इंडिकेटर्स के बारे में इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से देखते रहना चाहते हैं, तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.